हिमेश रेशमिया ने साल 2022 में एक एक्शन फिल्म अनाउंस की थी। उसका टाइटल था बैड एस रवि कुमार। फिल्म के 3 मिनट के अनाउंसमेंट टीजर में बताया गया कि इसे 2023 में रिलीज किया जाएगा। साल बीत गया लेकिन फिल्म को लेकर कोई खबर नहीं आई। हालांकि अब फिल्म को लेकर एक साथ दो बड़े अपडेट्स आए हैं। पहला तो ये कि हिमेश की फिल्म अगले साल दशहरा यानी 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। दूसरा ये कि फिल्म को अपना विलन मिल गया। आखिर रवि कुमार के सामने हर कोई टिक भी तो नहीं सकता। जो आदमी किसी की नसों में बहते खून से ज्यादा मूत्र बहा देता हो उससे कौन ही लड़ सकता है। खैर, पिंक विला की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रभुदेवा इस फिल्म के विलन होंगे। रिपोर्ट में कोट किए गए सूत्र ने बताया, प्रभुदेवा पहली बार किसी हिंदी फिल्म में विलन बनने जा रहे हैं। वो कार्लोस पेड्रो पैंथर नाम का किरदार निभाएंगे जो एक लार्जर देन लाइफ किस्म का विलन होगा। पहले बताया गया था कि फिल्म में 10 विलन होंगे और रवि उनसे लड़ेगा। या तो प्रभुदेवा का कैरेक्टर उन 10ों में से एक है या मुमकिन है कि वो विलेन लोगों का सरदार होंगे। साल 2014 में हिमेश रेशमिया की फिल्म द एक्सपोज आई थी। बैडएस रवि कुमार उसी का स्पिन ऑफ है। पिछली फिल्म में यो हनी सिंह समेत म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नई फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होगा। बस मेकर्स समय समय के साथ फिल्म में एक्टिंग करने वाले सिंगर्स की लिस्ट रिलीज करेंगे। फिल्म की कहानी हिमेश रेशमिया ने लिखी है। मुमकिन है कि जिन तूफानों में तुम जैसों के कपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जैसे डायलॉग्स भी उनके दिमाग की ही उपज हो। हालांकि फिल्म के डायलॉग्स का क्रेडिट बंटी राठौर को दिया गया है। बाकी हिमेश ने सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं लिखी, उन्होंने कुशल बख्शी के साथ मिलकर स्क्रीन प्ले भी लिखा है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म फिलहाल प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। फिल्म के एक्शन सीन्स पर काम चल रहा है। सब कुछ सही रहा तो मार्च 2024 में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि फिल्म के सभी गाने हिमेश ने ही कंपोज किए हैं। उनमें से एक बटरफ्लाई तितलियां पिछले साल रिलीज भी हो चुका है। हिमेश की कंपनी हिमेश रेशमिया मेलेडीज ने ही बैडएस रवि कुमार पर पैसा भी लगाया है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देख रही हूं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।